हेलो डियर चिल्ड्रेंस, मैं हूँ सीके पंडित और आप सब देख रहे हो मेरा वीडियो जिसमें आप सब बनाना सीखोगे एक सिंपल लैंडस्केप पेंटिंग। तो फिर बने रहो मेरे साथ। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं लैंडस्केप ड्राइंग में एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव बताऊंगा। पर्सपेक्टिव ड्राइंग के साथ साथ विनिजिंग पॉइंट भी बताऊँगा। तो फिर बच्चों, सबसे पहले एक स्केल लेना है और पेंसिल। यहाँ पे बीच में मिडिल सेंटर में एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल, और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ये स्ट्रेट लाइन चारों तरफ होगी। बिल्कुल डॉट लाइन टाइप का खींचना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है। ओके, तो बच्चों जब इस तरह का लाइन आप खींच लो, उसके बाद क्या करना है, इस जगह पे खींचना है, यहाँ पे एक लगाना है डॉट और एक यहाँ पे, ठीक है। ये मिडिल बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखो, बीच से सेंटर लाइन से यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर से थोड़ा नीचे है, यहाँ पे भी सेंटर से थोड़ा नीचे है। ओके, अब आप यहाँ से फिर इस पॉइंट पे मिलाना है इसको, इसको यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे। अब बच्चों मैं बताऊंगा पर्सपेक्टिव क्या है और विनिजिंग पॉइंट क्या है। ये जो मैंने लाइन खींचा, ठीक है, इस लाइन के बीचों बीच ये वाली, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो कवर किया हुआ है एक ट्रायंगल के अंदर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इमेजिन करो ये एक रोड है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर में ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला स्काई का पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में जो पॉइंट है, ये सबसे आखिरी छोर की दूरी है, सबसे लास्ट का जो वो व्यू है वो वहाँ तक की व्यू है ये। अब यहाँ पे सपोज दैट मैं एक कुछ भी ड्राव करूँगा, या फिर ट्री हो, आप कहीं पे रास्ते में जाते हो या फिर साइड में ट्रीज देखते हो, या फिर बहुत सारे पोल्स या फिर बहुत सारे लाइट्स रोड में कहीं पे लगा होता है, तो वो जो सबसे नज़दीक का होता है वो बड़ा दिखता है, उससे और दूर जाते हो तो थोड़ा छोटा दिखता है, और दूर देखो वो और उससे छोटा दिखता है। ऐसे जब पूरी दूरी तक आपका, जब जहाँ तक आपका व्यू जा रहा है, जहाँ तक आप देख पा रहे हो, वो आखिरी तक वो छोटा होता जाता है। और जिस समय जब आपको दिखने ही नहीं लगे वो आखिरी वाला ट्री दिखे, और उसके बाद कोई ट्री दिखे ही नहीं, वहाँ से आगे आपकी जो आई है वो देख ही नहीं पा रहा हो, उस पॉइंट को हम सब क्या कहेंगे, विनिजिंग पॉइंट। वही है विनिजिंग पॉइंट, इसको हिंदी में अदृश्य बिंदु भी कहते हैं। और यहाँ से आगे आप नहीं देख सकते हो, ये आखिरी वाला जो पॉइंट है इसको विनिजिंग पॉइंट कहते हैं। और इसकी डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस पे जो वो ट्रीज जो ड्रॉ करेंगे हम सब, ठीक है, तो ये यहाँ पे जिस तरह का ये बड़ा ट्री होगा, ये सामने का है तो ये थोड़ा बिग होगा, उसके बाद आगे जाओ उससे छोटा होगा, उससे और आगे जाओ उससे और छोटा होगा, उससे और आगे जाओ उससे और छोटा होगा। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है, एक सेम डिस्टेंस पर जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पर्सपेक्टिव ड्राॅइंग कहलाता है, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे आप बड़ा सा बनाए हो, उसके बाद फिर इसके बाद इससे और बड़ा बना दिया, तो वो पर्सपेक्टिव नहीं हुआ, वो गड़बड़ हो गया ड्राइंग, ठीक है। तो आज हम सब पर्सपेक्टिव सीखेंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर अब इसमें ड्राव करना स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले यहाँ पे एक ट्री का ट्रंक बना रहा हूँ। अब इस साइड अगर बनाते हो तो कंटिन्यू फिर इस साइड भी बना लो, इससे आपको सुविधा होगी ड्राइंग करने में, या बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसके आगे वाले में जब जाओगे वो ट्री ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ये जो लाइन, इसके लिए मैंने ये लाइन पहले से ही इंडिकेट कर दिया गया है ताकि आपको ड्राइंग में सुविधा हो। ये लाइन से बाहर नहीं करना है इसका ट्रंक को, ठीक है,
और ये जो ट्रंक होगा इस ट्रंक से थोड़ा पतला होगा, यहाँ पे ये देखो थोड़ा पतला हुआ है राइट साइड में भी। इसके और आगे जाओ डिस्टेंस भी कम होता जाएगा थोड़ा, ठीक है, ये दोनों ट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस भी थोड़ा कम होता जाएगा, ये जितना डिस्टेंस में है उससे कम होता जाएगा ये। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी और पतला भी होता जाएगा, ये देखो उसके आगे फिर दिखेगा ही नहीं, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जब आप ये ट्री का ड्राव करोगे ट्रंक को या फिर कोई स्ट्रीट लाइट या पोल भी हो रोड के किनारे उसको जब ड्राव करोगे तो एक बात सबसे ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो कभी भी तुम सब क्योंकि ये जो लाइन खींचा हुआ है ना ये जो हेल्पिंग लाइन है ये हेल्पिंग लाइन जो है इस एंगल पर है, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस है, थोड़ा सा क्रॉस है, तो इसलिए आपको क्या करना है ऐसे नहीं बनाना है ट्री, इस तरह से नहीं खींचना है, इस तरह से नहीं खींचोगे क्योंकि ऐसा खींचने के बाद लगेगा ट्री वो गिरने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं खींचोगे, बिल्कुल स्ट्रेट खींचोगे 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से खींचते जाना है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये ट्रंक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब तुम सब इसको काउंट भी कर सकते हो कितने सारे ट्रीज बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके आगे फिर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये विनेजिंग पॉइंट हो गया। ओके, मैं एक एक ट्रीज का लिप्स बनाता जाऊँगा। ओके, लिप्स बनाने के लिए ये जो ऊपर वाला जो प्रस्पेक्टिव लाइन है ये जो लाइन है क्रॉस लाइन यहाँ से लेनी है, फिर आपको इस जगह से ये राइट ये लेफ्ट साइड का कुछ नहीं करना है, बस राइट साइड में आपको चलते जाना है, चाहे वो ट्री का कोई सा भी शेप में ट्री का लिप्स को बनाओ, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला जो ट्री है सबसे सामने वाला जो फर्स्ट ट्री है ये कंप्लीट हो गया है, अब सेकेंड वाले ट्री पे जाना है, फिर उसी तरह से ये लाइन को भी ध्यान में रखना है। बस लाइन को भी ध्यान में रखना है और आगे चलते जाना है, ये इस तरह से, ये देखो जब आपको लग रहा है ना कि सबसे आगे वाला जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा और ये जो दूर वाला है वो काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, जब आप आगे जाते जाओ तो वो सब आपको बड़ा ही लगेगा। फिर यहाँ से राइट साइड का तो बच्चों अब जो प्रस्पेक्टिव लाइंस दिख रहे थे वो लाइंस जहाँ पे स्पष्ट दिख रहे हैं पूरे क्लियरली टाइप से दिख रहे हैं उसको आप इरेज कर लो। इरेज करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ड्राइंग इरेज हो जाएगा, इसलिए बाद में फिर उसको आप कवर कर लोगे, ठीक है, आप फिर से इसको कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, ये देखो ये रोड बन गया, ठीक है, और यहाँ से लाइन में एक लाइन से ट्री आप देख रहे हो, बिल्कुल ये मेरा स्केच कंप्लीट है। बच्चों अब ट्रंक के नीचे जो है इसको थोड़ा क्लियर करना है, ठीक है, इस तरह से
इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो इसको। इस साइड भी और इधर हल्की फुल्की झाड़ियाँ लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको कलर करता हूँ। सबसे पहले आप यूज करो स्काई ब्लू कलर, ये मैं पेंसिल कलर यूज करूँगा, आप भी पेंसिल कलर यूज करो। इस तरह से कलर करना है, पेंसिल को पकड़ना है, देखो किस तरह से, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है। और इसको यहाँ से कलर करने के लिए स्टार्ट करना है, इस तरह से बिल्कुल कलर करते जाना है। ये देखो थोड़ा सा और डार्क करना है इसको ऊपर से, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हल्का ट्रीज पर चले जाएगा ये कलर तो दिक्कत हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा ये वाला जो पार्ट है इसको हल्का वाइट रखना है, ठीक है, और पेंसिल कलर में वाइट आपके पास तो होगा ही, उस वाइट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिख नहीं रहा है बट फिर भी यूज करना है इसको। इसके बाद मैं फाइनल ट्रिक बताऊँगा, हल्का हल्का यूज करना है यहाँ पे स्काई ब्लू। चलो ये हो गया, अब आप स्किन कलर यूज करोगे वो भी यहाँ से, ठीक है, ये जो रोड है इस रोड के लिए आप स्किन कलर यूज करोगे यहाँ से, धीरे धीरे बड़ा करते जाना है इसको, बिल्कुल पेंसिल इसी तरह से पकड़ना है। अब रुक जाना है यहाँ तक, इसके बाद फिर इससे थोड़ा सा डार्क कलर यूज करना है। डार्क कलर कौन सा होगा, फिर इससे हल्का ब्राउन यूज करना है, जो लाइट ब्राउन हो, ये वाली लाइट ब्राउन यूज करनी है आपको यहाँ से। अब इससे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन यूज करना है, ये वाली ब्राउन, सिंपल ये प्रस्पेक्टिव में धीरे धीरे इसको कलर में धीरे धीरे इसको डार्क करते जाना है, ये अपनी तरफ जितना नज़दीक आते जाओगे उतना डार्क करते जाना है इसको, और लास्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये कलर जो है इसमें हल्का ग्रीन और हल्का वाइट मिक्स है, ठीक है। आप इसको कहाँ पे यूज करोगे, इसको बिल्कुल इस जगह पे यूज करना है, यहाँ पे छोटे से जगह पे, ठीक है, ये हल्का हल्का यूज करना है यहाँ पे अंदर में, इस तरह से यूज करते आना है इधर। और उसके बाद फिर डीप ग्रीन थोड़ा लेना है, ये वाली ग्रीन, इसको आप इधर यूज करो, फिर यहाँ पे यूज करना है थोड़ा, अब बच्चों ये जो ट्रीज बने हुए हैं ये ट्रीज को मैं कलर करूँगा। इसके लिए ट्रीज का सबसे पहले ट्रंक कलर करना है, ठीक है। ट्रंक को कलर करने के लिए आप जब भी कलर प्रोसेस स्टार्ट करते हो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी कलर प्रोसेस स्टार्ट करते हो वाटर कलर पेंसिल कलर में, या फिर पेंसिल कलर हो या फिर वाटर कलर हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सबसे दूर का ट्री है, जो सबसे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसका,
उसका सबसे पहले कलर करना होता है। ठीक है, स्काई ब्लू यूज करूँगा, वो भी ट्रीज के लिए, सबसे जो दूर में ट्रीज है उसके लिए। ठीक है, इस तरह से एक तरफ हल्का वाइट छोड़ देना है बच्चों। बिल्कुल जस्ट राइट साइड में भी उसी तरह से कलर करना है। ये देखो लेफ्ट साइड में हल्का वाइट छोड़ना है, बिल्कुल इस तरह से कलर फिल करते हुए आना है एक तरफ से। अब जिस ट्री में मैं अभी कलर कर रहा हूँ इसी ट्री पे आपको ग्रीन कलर भी यूज करना है, ये लाइट ग्रीन। ओके, अब इसके बाद पैरोट कलर यूज करना है इस तरह से। इसको कहीं कहीं पे गैप छोड़ना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में फुल फिल कर देना है इसको, फिर ये वाली ट्री में कलर करना है। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद डार्क ग्रीन थोड़ा यूज करना है इस ट्री के लिए। ओके, इसमें भी बिल्कुल ग्रीन यूज करना है। लेफ्ट साइड में छोड़ देना है थोड़ा लाइट।
अब जो ये लाइट ग्रीन है इसको यहाँ पे यूज़ करना है, लेफ्ट साइड में जो खाली गैप बचा हुआ था, जो ब्लैंक ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा गया था उसको फिल करना है। झाड़ियों को कलर करना है, छोटे छोटे झाड़ियाँ बने हुए हैं। फिर जो दूर की झाड़ियाँ जाएंगे उनमें फिर लाइट कलर करना है यूज, लाइट ग्रीन यूज कर सकते हो या फिर पैरोट ग्रीन यूज कर सकते हो। अब बच्चों ये जो ट्रीज बने हुए हैं ये ट्रीज के ट्रंक को कलर करना है। ट्रंक को कलर करने के लिए आप ब्राउन कलर सबसे पहले यूज करो, इस तरफ से ऐसे, फिर दूसरे वाले में फिर तीसरे वाले में फिर इस तरफ से भी थ्री ट्रंक्स को कलर करना है। थ्री के बाद जब फोर्थ वाले में जाओ तब उसमें थोड़ा लाइट कलर यूज करना है, ओके, लाइट ब्राउन। ये मैं लाइट ब्राउन यूज करने वाला हूँ। फिर डार्क ब्राउन से हल्का शेड कर दें इधर से, बस एक ही लकीर खींचना है लास्ट में। अब ब्लैक कलर यूज करना है, ओके, ब्लैक कलर को आप इस जगह पे यूज करो जो सबसे फर्स्ट वाले जो ट्री है, सबसे सामने की जो ट्री है उसमें, और दूसरे नंबर की ट्री पे भी यूज कर सकते हो हल्का फुल्का। बस हो गया, यहाँ पे शेडिंग करना है हल्का फुल्का। ब्राउन कलर यूज करना है यहाँ पे, थोड़ा नज़दीक को
जो सामने है उसको थोड़ा डीप करना है और इस तरह से डार्क कलर में कन्वर्ट करते जाना है। अब ऑरेंज कलर का यूज़ करना है बच्चों। ऑरेंज कलर करने के लिए आप इस जगह पे जो सबसे फर्स्ट वाली ट्री है इस तरह से बच्चों, ये तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग रहा। और अब चाहते हो कि इसको और भी रियलिस्टिक करना है तो आपको वाटर स्केच पेन कलर यूज करना होगा इसके लिए, ठीक है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये बाद में प्रैक्टिस कर लेना इसको, ओके। लेकिन आप देखो, मैंने वाटर कलर स्केच पेन ओपन कर लिया है और ये ग्रीन है, और इस ग्रीन को मैं सबसे फर्स्ट वाले ट्री पे यूज करूँगा एक तरफ से इस तरह से, जो और भी रियलिस्टिक हो। फिर ये वाले ट्री में सेकंड नंबर पे, राइट साइड में, जहाँ पे गैप बची हुई है, ब्लैंक स्पेसेस हैं, उस जगह पे लाइट ग्रीन यूज करने हैं। ये लाइट ग्रीन को इसमें यूज करना है और साइड में थोड़ा छोड़ देना है। उसमें फिर येलो यूज करना है, ओके। यहाँ पे का येलो ही यूज करना है इसमें भी इस तरह से। बस ये कंप्लीट हो गया है लगभग। और फिर ट्रंक को कलर करना है। अब ट्रंक के लिए मैंने जैसे बताया था उसमें ब्राउन, वैसे ही ब्राउन यूज करना है फिर इसमें भी।
आपका साइड से भी एक दो ब्रांच दे सकते हो। अब आप येलो कलर को यूज़ करो इसके ऊपर। थोड़ा ब्राउन ज़्यादा यूज करना है क्योंकि यहाँ पर परछाई भी है और ये नज़दीक में भी है, इसलिए इसको थोड़ा ये क्लियर आएगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखेगा, इसलिए इसको थोड़ा डार्क करना है। इस तरह से ब्लैक स्केच पेन यूज करना है, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ कहीं कहीं पे यूज करना है इसको आउटलाइन के लिए, क्लियरिटी के लिए। झाड़ियों में आप इस तरह कलर कर सकते हो। एक दो बड यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे ह्यूमन बना सकते हो छोटा सा। बच्चों अब ब्लैक बॉल पेन से इसको क्लियर करना है, आउटलाइन कर देना है इसको इस तरह से, ठीक है। ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट है बच्चों। अब फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी तो चाहिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपोजिशन बताऊंगा, ओके।